हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आप लोगों को पता हो, कल RBI असिस्टेंट का मेंस हुआ है, तो उसका एनालिसिस करता हूँ मैं, है ना। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, सिक्वेंस बताता हूँ मैं आप लोगों को क्या क्या चल रहा था इसमें। सिक्वेंस में सबसे पहले आती है रीजनिंग। रीजनिंग होती है जो 40 मार्क्स की होती है, उसके बाद इंग्लिश तो जी 40 मार्क्स, उसके बाद क्वांट 40 मार्क्स, GA 40 मार्क्स और कंप्यूटर 40 मार्क्स। जो पूरा जो पेपर होता है वो होता है टू आवर्स 15 मिनट्स, मतलब कि 2.25 घंटे का पेपर है ना। और जिसमें कंप्यूटर मिलती है 20 मिनट्स, GA मिलती है 25 मिनट्स और इन सब में 30 30 और ये 30 मिनट्स मिलती है, ठीक है। तो ये सब इसका सिक्वेंस रहता है। तो चलिए फिर सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ कि रीजनिंग में क्या क्या आया। रीजनिंग मेरे अटैम्प्ट से वो थे 31 और 40 40 क्वेश्चन में थे। 31 मेरे तो 40 क्वेश्चन में 31 मेरे रीजनिंग अटैम्प्ट हैं। उसके बाद जो क्या हुआ, हाँ तो इसमें बताता हूँ उसमें आया क्या क्या था। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले इसमें आई थी जो, मतलब जब रीजनिंग का एग्ज़ाम जब पेपर खुला तो सबसे पहले जो मैंने देखा उसमें पज़ल थी, है ना। तो स्टार्टिंग के दोनों क्वेश्चन थे वो पज़ल के थे। तीसरा जो क्वेश्चन आया था वो था चाइनीज़ कोडिंग। इसके 3 या 4 क्वेश्चन थे, है ना, 3 या 4, मतलब सिंपल वाली थी जो प्री में आते हैं, वो लेवल था। उसके बाद फिर मैं स्किप करता चला गया और लास्ट के जो 5 क्वेश्चन थे वो थे स्लॉक्स के क्वेश्चन थे, काफ़ी सिंपल थे। तो वो अफ्यू वाले और द फ्यू वाले क्वेश्चन ज़्यादा थे, है ना, और ओनली और फ्यू ओनली वाले क्वेश्चन थे, है ना। ये दोनों क्वेश्चन हो गए। इसके बाद जब ये दोनों होने के बाद मैं आया पजल पर, है ना। तो पजल जो थी वो 4 या 5 4 पजल थी मेरे ख्याल से, है ना। तो जो मैंने अटेम्प्ट करी वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली जो पजल थी जो मैंने अटेम्प्ट करी थी वो थी नॉर्थ साउथ वाली, जिसमें 8 मेंबर थे, है ना। और काफ़ी सिंपल लैंग्वेज रखी थी इसमें कि एक कोने पे ऐसे थे, है ना, नॉर्थ साउथ दोनों फेस कर रहे थे नॉर्थ साउथ, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 मेंबर थे, काफ़ी सिंपल थी ये, हो गई आराम से 2 या 3 मिनट में हो गई हुई, है ना। प्री लेवल से थोड़ी सी आई होगी, ठीक है ना, थोड़ी। उसके बाद दूसरा जो आया था, दूसरा जो मैंने किया वो था उसमें कि एजेस वाला क्वेश्चन, हाँ एजेस वाला, है ना, जो एजेस वाले होते हैं ना जिसमें एज वो सन दे रखी होती है, फिर उसके एक बेस ईयर बताई होती है, उसमें 2022 को बेस ईयर मान के एज दे रखी थी, मतलब सन दे रखी थी कौन सा कब हुआ, और उसके हिसाब से हमें निकालना था। तो उसमें क्या था कि सिंपल थी ये भी, लेकिन इसमें स्टेटमेंट थोड़े से अटपटे थे। उसमें एक स्टेटमेंट जो था वो था कि मतलब कि ए, जैसे ए और बी मान लो, तो ए और बी को प्लस करके जो एज है वो जी के इक्वल है, ऐसा था। फिर एक था डी माइनस सी को इक्वल करके के इक्वल है, ऐसे मतलब कि कुछ स्टेटमेंट थी, मतलब थोड़ा सा टाइम लगा इसमें, लेकिन सिंपल थी, टाइम लग गया बस। उसके बाद जो मैंने एक, है ना, उसके बाद फिर एक ये हो गई। उसके बाद जो मैंने अटेम्प्ट करी वो थी एक, आपने देखी होगी वो जो पोस्ट वाली होती है ना, पोस्ट वाली जिसमें AGM GM फिर क्लर्क और नीचे आ जाते हैं स्टाफ मेंबर जो हो जाते हैं, तो वो थी, है ना, मतलब सीनियर वाली थी, सीनियर पोस्ट किसकी कितनी अच्छी पोस्ट है, ये भी सिंपल थी, है ना। और हो गई है इसमें स्टेटमेंट काफ़ी सिंपल सिंपल थे, तो ये भी हो गई काफ़ी आराम से। और एक और पजल आई थी वो मैंने देखी नहीं क्या था उसमें, लेकिन काफ़ी बड़ी सी लग रही थी वो, इसलिए मैंने उसको नहीं किया। इसमें एक क्वेश्चन था कि एक क्वेश्चन तो वो वाला था इसमें, जिसमें मतलब कि जो ऑड इवन वाला, मतलब कि ऑड इवन वाला नहीं, अल्फाबेट मतलब कॉन्स्टेंट वो कॉन्सोनेंट और वोवल वाला, जिसमें वोवल को +1 करना था और कॉन्सोनेंट को -1 करना था, फिर उनको रीअरेंज करना था अल्फ़ाबेट ऑर्डर में, और फिर उसको 6 बताना था, लेफ्ट से 6 या राइट से 6 ऐसा कुछ बताना था उसमें, हो गया ये भी। तो टोटल मेरे 31 अटैम्प्ट थे इसमें, है ना, और इतना ही भी मेरे को याद है ना। तो 15, हाँ एक क्वेश्चन और था मैं आपको बताता हूँ। एक क्वेश्चन उसमें ये और था इसमें कि जैसे कि वो होते हैं ना, जैसे कि सीनियर वाली, हाँ तो 1 2 3 4 5 6 6 मेंबर थे, जे इससे बड़ा, ये इससे बड़ा, ये इससे बड़ा, ऐसे करके था, थोड़ा सा अटपटा था ये शायद। मैंने इसका एक ही क्वेश्चन किया था, है ना, तो मेरे को समझ में नहीं आया था ये क्वेश्चन, मतलब हुआ नहीं ये, है ना, और सिंपल था, पता नहीं सिंपल था कि नहीं, लेकिन मेरे से नहीं हुआ। उसके बाद हम आते हैं अगले पे, मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ, ठीक है ना। क्वांट क्वांट फिर इंग्लिश पे आते हैं पहले।
तो इंग्लिश में क्या था, इंग्लिश में 40 क्वेश्चन थे मेरे जो अटेम्प्ट्स हुए इंग्लिश में वो कितने हुए, हाँ तो इंग्लिश में मेरे अटेम्प्ट्स थे वो थे 36 है ना, और 36 मैंने अटेम्प्ट्स कर लिए लेकिन मुझे पता नहीं है कि सही है कि नहीं, क्योंकि जो मेरा IBPS PO का था उसमें भी मैं 30 करके आया था लेकिन नंबर मेरे 15 ही थे, तो 36 में करके आया तो मुझे उम्मीद है 20 आ जाएंगे इसमें, ठीक है ना, तो 20 मार्क्स इसमें आ गए अगर आ जाएंगे। तो इसमें मैं आपको बता दूँ उसमें था क्या, पहले जो क्वेश्चन थे मैंने कुछ करे थे तो उसमें थे मैचिंग वाले क्वेश्चन, वो मैचिंग वाले क्वेश्चन होते ना कॉलम बेस्ड, वो क्वेश्चन थे इसमें 5 क्वेश्चन दिए थे, उसके बाद फिलर वाले कुछ क्वेश्चन थे इसमें, फिलर वाले होंगे 4 या 5 क्वेश्चन तो होंगे फिलर वाले भी, उसके बाद इसमें था एक वो थे इसमें कि मिस स्पेल वाले कुछ क्वेश्चन थे इसमें, वो भी 4 या 5 होंगे, उसका रीअरेंजमेंट था है ना, जो रीअरेंजमेंट जो था उसका मैं आपको पैटर्न बताता हूँ, ऐसे थे जैसे कि जे हो गए ना, हाँ ये 6 स्टेटमेंट थे इसके, और सी जो था इसमें फिक्स था ये है ना, तो इसमें क्या था कि सी फिक्स था, अब सी वाले स्टेटमेंट दे रखा था कि बोथ करके कुछ ऐसा क्वेश्चन था, और पहले वाले में कुछ इंट्रोड्यूस करना था और दूसरे में हाउएवर लगा के इसको अपोज करवाना था, ये पैटर्न था और अपोज करवाना था इसको, फिर उसमें से दोनों को कंपेरिजन कर रखा था, फिर इसमें इनकम करके कुछ था, इनकम करके कुछ था तो इसी से रिलेटेड था ये, फिर दो एंड के थे, ये मुझे लग रहा था ऐसा जो मैं सिक्वेंस बनाया था, अब ये ठीक है कि नहीं ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैंने एक लड़के से पूछा था वो भी कुछ ऐसे ही बता रहा था, तो मेरे को लगता है ठीक होगा, अगर इसमें मेरे 20-30 से लेकर 25 मार्क्स आ जाएँ तो देखते हैं है ना। उसके आते हैं क्वांट पर है ना, क्वांट पर, अब क्वांट पर जब अपन आते हैं तो क्वांट मेरे जो अटेम्प्ट करें वो 23 करें, क्वांट ओवरऑल तो मॉडरेट थी है ना, लेकिन इसमें क्या मेरे से गलती हुई, इसमें क्या हुआ कि जो मेरे को DI थी जो मेरे को नहीं आ रही थी वो मैंने पहले उठा ली थी, तो ये गलती हुई मेरे को है ना, और लास्ट में इसमें काफ़ी मतलब सिंप्लीफिकेशन दे रखे थे, तो सिंप्लीफिकेशन लास्ट में थे, तो इसमें पहले मैं आपको बता दूँ उसमें था क्या क्या, सबसे पहले इसमें जो था वो था, सबसे पहले इसमें जो थे, सॉरी इसको लिखता हूँ मैं आपको आराम से दिखाई दी, पहले था इसमें मिसिंग नंबर, जो 5 क्वेश्चन थे मिसिंग थे है ना, मिसिंग के 5 क्वेश्चन थे इसमें, ठीक है, उसके बाद इसमें सिंप्लीफिकेशन के थे कुछ क्वेश्चन, मेरे ख्याल से 6 या 7 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के थे, डी आई थी इसमें, उसके बाद अर्थमेटिक काफ़ी था इसमें, अर्थमेटिक होगा अच्छा, और एक वो क्वेश्चन Q1 Q2 वाले क्वेश्चन थे, Q1 Q2 वाले, तो ये पैटर्न था, ये मेरा ओवरऑल तो ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ, एक मेरा दोस्त था उसने 26 अटैम्प्ट करे, लेकिन रीजनिंग में मैंने सबसे ज़्यादा अटैम्प्ट करे मेरे ग्रुप में, मुझे लग रहा था क्योंकि मैंने पूछा लोगों से तो वो 24-25 ही बता रहे थे अपने अटैम्प्ट, इनका एनालिसिस हो चुका है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ GA में जो मैंने क्वेश्चन देखे थे, जो टेलीग्राम पर जो क्वेश्चन आए ना, टेलीग्राम पर जो क्वेश्चन आए बिल्कुल ऑथेंटिक क्वेश्चन है वो, और ऐसे क्वेश्चन आए थे कुछ, मैंने इसमें तुक्के भी मारे तो वो मेरे सही बैठ गए, जैसे कि उसमें एक क्वेश्चन था PRAN प्लान की जो फो थी, तो इसमें परमानेंट लगा के आया ठीक है, एक क्वेश्चन था 1971 का आंसर था उसका है ना, वो भी मैं सही करके आया हूँ, और भी मतलब सिंपल क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन था इसमें कि वर्ल्ड लेबर जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके हेड कौन बने, और एक क्वेश्चन था इसमें कि जिनेवा स्विट्जरलैंड में जिसका हेडक्वार्टर है उसका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में, ठीक है ना, ऐसे कुछ क्वेश्चन थे काफ़ी मतलब थोड़े चटपटे थे लेकिन अच्छे क्वेश्चन थे। उसके बाद आते हैं कंप्यूटर पर, कंप्यूटर का जो लेवल था वो RRB क्लर्क मान लो, काफ़ी सिंपल था, लेकिन एक क्वेश्चन में गलत हो गया, इसमें F1 जो था वो हेल्प की जो पूछी थी कमांड, तो मैं F1 नहीं करके उसमें F7 लगाया, पता नहीं मेरे को अभी भी डाउट है कि कौन सा सही है इसमें F1 है कि F7 है ना, और काफ़ी सिंपल क्वेश्चन थे, मतलब कि सिंपल थे ये, तो मैं अपने अटेम्प्ट्स बताता हूँ आपको, देखिए सबसे पहले तो मेरा था जो, आपको पीछे वाले पेज पे ले चलता हूँ, इसमें बताता हूँ मेरे अटेम्प्ट्स, रीजनिंग जो थे मेरे 31 थे, इंग्लिश में 36 थे, क्वांटो 23 है, GA में 32 करे आया हूँ लेकिन मुझे लग नहीं रहा इसमें 20 तक ही आएंगे, और 36 में अगर हैं तो 25 तक इसमें आ जाएंगे कंप्यूटर में है ना, तो ओवरऑल मेरे लग रहा है कि 110 से लेके 120 तक नंबर आ सकते हैं, हाँ और देखते हैं फिर है ना, कट ऑफ तो वैसे भी इसकी 120 से प्लस ही आएगी, तो
तो बस यही एनालिसिस है ना। और मतलब पेपर अच्छा था, और क्या बताऊँ आप लोगों को, है ना, सब बढ़िया है। और चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे वीडियोस के लिए बेल आइकन को दबा दें। और ठीक है, फिर रखता हूँ, है ना। ओके भाई, थैंक यू सो मच।